वेलकम बैक टू माय चैनल इशारा एंड मैं हूं स्मृति। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने जा रही हूं, जो कि मैंने रिसेंटली पर्पल हॉल शेयर किया था। उसमें से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे और वन बाय वन मैं सब चीजों का सोच रही हूं आज बैठ के बैक टू बैक मैं सबका शूट कर दूं, सबकी इन्फॉर्मेशन, सब कुछ रिव्यू एंड डेमो आपको दे दूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो में जाने से पहले आई हैव अ रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा भी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल बटन, जिससे आने वाली सारी वीडियो से आप अपडेटेड रहो। और आप कर सकते हैं मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूं मस्कारा का, क्योंकि रिसेंटली मेरे जो मस्कारा है वो खत्म होने में थे और मेरा जो सबसे फेवरेट था वो कलर एसेंस का था, क्योंकि उससे यू नो आपकी लैशेस बहुत ही ज्यादा लेंदी एंड यू नो बहुत ही ज्यादा यू नो मतलब ऐसा लगता है आपने फॉल्सीज लगाई हो। नेक्स्ट मैंने लिया था ब्लू हेवन का, जो कि जो भी लगभग मतलब वो एज अ प्राइस रेंज अच्छा वर्क करता है। फिर मैंने ट्राई किया ये वाला पर्पल, सॉरी मैंने ट्राई किया ये वाला पर्पल का, क्योंकि यू नो पर्पल का मुझे थोड़ा सा मैंने बहुत सारे यूट्यूबर से सुना था, वो लोग अप्लाई कर रही थी एंड दे गॉट द गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट उनको मिल रहे थे। तो मैंने सोचा चलिए लेट्स, मुझे लेना ही है तो चलिए पर्पल का ले लेती हूँ। और इसका रिव्यू डेमो आपको लेना है नहीं लेना है ये आपकी मर्जी, बट इसके मतलब पूरा ऑनेस्ट रिव्यू मैं दूंगी और साथ में आपको डेमो भी दिखाऊंगी जब मैंने अप्लाई किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो इट हैज अ पर्पल पैकेजिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, पर्पल एंड ब्लू कलर की है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको सिर्फ और सिर्फ पर्पल पे मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने पर्पल ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स आते रहते हैं और बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है। उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जो कि आपको और दूसरी साइट्स में नहीं मिलेंगे। तो एक बार आप ट्राई जरूर करिएगा, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। तो चलिए इसके बारे में बात करती हूँ। तो ये है पर्पल का माय हेल्पिंग हैंड कर्ल एक्सटेंडर लैश मस्कारा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इस टाइप से, देन मैं यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 5/2019 एंड इसकी एक्सपायरी है 10/2021। इट मींस कि 19/2021 दो साल ये आराम से चलने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है। आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो प्राइसिंग की बात मैं करूं तो ये लिटिल बिट थोड़ा सा कॉस्टली है। ये आपको पड़ेगा 450 रुपीज का और क्वांटिटी है इसकी 8 ml और 450 रुपीज का है। बट यू नो आए दिन इसमें डिस्काउंट चलते रहते हैं, छूट पड़ती रहती है, तो मुझे ये 300 कुछ का मिला था आफ्टर डिस्काउंट। तो आप चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। सेल चलती रहती है न्यू ईयर की, दिवाली की, करवा चौथ की, फेस्टिवल्स की, वैसे भी इसमें सेल चलती रहती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। और मैंने इसको 2-3-4 बार लगाया हुआ है, उसके बाद मैंने ये मैं आपको रिव्यू बता रही हूं कि कैसा है क्या है। एंड ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। आउटर पैकेजिंग में यहाँ पे इन्होंने साइड पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, जो यहाँ पे लिखा था वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए इनर पैकेजिंग देख लेते हैं कि ये अंदर कैसा है। तो इट हैज अ ब्यूटीफुल, मैंने जब इसको खोला ना तो बस मैं फैन हो गई, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल इसकी पैकेजिंग है। जैसा कि आप देख सकते हो इट इज फ्रॉम ब्लैक एंड गोल्डन उसमें है, और ब्लैक कलर का पूरा यू नो इसमें शाइनिंग है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैट है, इसकी जो ये पैकेजिंग है थोड़ी सी शाइनिंग है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। साथ ही साथ इसमें यहाँ पे गोल्डन कलर का पर्पल लिखा हुआ है और ऐसे कैप है, और इस टाइप से आपको खोलना है। वॉन्ड की बात मैं करूं तो इसका जो वॉन्ड है ये आप देखो, जैसे मैंने कलर एसेंस का दिखाया था और उसका ब्लू हेवन का भी दिखाया है, कलर एसेंस का तो बहुत ही ज्यादा यू शेप में है। जब यू शेप में होता है तो आपको यू नो अप्लाई करने में आसानी होती है। और साथ ही साथ मस्कारा कैसे लगाया जाता है इस पे भी मेरा एक वीडियो है, प्लीज चेकआउट जरूर करिएगा। कि आपको ऐसे सीधे सीधे नहीं लगा लेना है, आपको जिगजैग करके लगाना है। कैसे लगाना है, आउटर पे कैसे लगाना है, इनर पे कैसे लगाना है, हर चीज का है। अगर आप इंटरेस्ट हो तो प्लीज मेरा वो वाला वीडियो जरूर चेकआउट करिएगा। उससे क्या होता है कि हर प्रोडक्ट जो होता है मेकअप का ले लेते हैं लोग, बट उसको अप्लाई कैसे कराता जाता है ये नहीं आता है। तो अगर थोड़ा सा नॉलेज उससे मिल जाएगा तो अच्छा है, क्योंकि मस्कारा लगाने की भी एक ट्रिक होती है जिससे आपकी जो लैशेस होती हैं वो बिल्कुल यू नो
लेंदी हो जाती है और साथ ही साथ जो प्रोडक्ट होता है वो अपना अच्छा रिजल्ट दे पाता है। तो इसकी वाउंड की बात मैं करूं तो ये इट हैज सम लिटिल बिट है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा ये स्ट्रेट है या बहुत ज्यादा इसमें कर्ल है, ऐसा नहीं है, ठीक ठीक है। एंड लंबाई इसकी अच्छी, जिससे कि आपको होल्ड करने में आसानी होगी, बहुत ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि जो बहुत ही ज्यादा लंबे मस्कारा होता है वो होल्ड करने में आसानी नहीं होती है। साथ ही साथ मेरा जो ब्लू हेवन का मस्कारा, उसका जो ये बीच की जो डंडी होती है वो बहुत ही लम्सी है, तो जब मैं अप्लाई करती हूँ तो लम्सी की वजह से ऐसे ऐसे से डोलती है, तो जो लोग न्यू है तो वो हो सकता है नहीं ठीक से लगा पाए, बट इट हैज ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा थिक है, जिससे कि आपको होल्ड करने में भी आसानी होगी, आपको अप्लाई करने में भी आसानी होगी। टेक्सचर की बात मैं करूं, इट हैज ऑसम, अगर आप अप्लाई करते हो बहुत ही ज्यादा क्रीमी टेक्सचर इसका, कि ऐसा नहीं आपको लम्स पड़ जा रहे हैं या आपकी ड्राई आउट हो जा रही है। मैंने बहुत से ऐसे मस्कारा देखा है कि उसको लगाने के बाद जब वो ड्राई हो जाते हैं तो आपकी पलकें एक दूसरे से चिपकने लगती हैं, खुजली मचने लगती है, इरिटेशन होती है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफी थोड़ी सी मैं बताऊं कि थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा हो सकता है मे बी आपको इरिटेशन हो, बट आईज को लेके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज आई हैव ऑल्सो सेंसिटिव स्किन, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ जिनको मस्कारा जो लेना चाहते हैं वो जरूर एक बार ये ट्राई कर सकते हैं। लैशेस की बात मैं करूं, मैंने यही मस्कारा अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने अभी यही मस्कारा अप्लाई किया हुआ है इस टाइप से। ये आप देख सकते हो कि इसमें जो है ना लैशेज आपके अलग अलग भी हो जाते हैं, साथ ही साथ आपके इस टाइप से भी नहीं लगता है कि आपने बहुत ही ज्यादा आपने ली। अगर आपको बहुत ही ज्यादा थिक चाहिए तो आप 2-3 कोट्स लगा सकती हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कोटिंग नहीं करती हूँ मस्कारा की, क्योंकि वो थोड़ा सा फेक में लगता है और बहुत ही डिसेंट आपका देता है ये, और प्राइस वाइज भी बहुत अच्छी। सबसे अच्छी बात है कि क्रीमी टेक्सचर में है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको लगाने में कि बहुत ही ज्यादा इरिटेशन हो रही है या चिपचिपा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए ये था यहाँ का रिव्यू, चलिए डेमो देख लेते हैं कि मेरे मस्कारा लगाने से पहले मेरी पलके कैसे थी और मस्कारा लगाने के बाद मेरी लैशेस कैसे हुई। सो चलिए डेमो देखते हैं। मस्कारा, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज 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 आई हैव अ रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल बटन, जिससे आने वाली सारी वीडियो से आप अपडेटेड रहो, और आप कर सकते हैं मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।